नमस्कार, एक बार फिर सबका स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं अभिनव। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज और वर्तमान कमेंटेटर इरफान पठान एशिया कप के लिए 24 तारीख को यूएई रवाना हो चुके हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि जब वो मुंबई से दुबई के लिए रवाना होने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें, उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने परसों यानी कि 24 तारीख को अपने ट्विटर हैंडल के जरिए बताया कि आज मैं मुंबई से दुबई के लिए विस्तारा फ्लाइट से रवाना हो रहा था, पर चेक इन काउंटर पर मुझे काफ़ी बुरा अनुभव हुआ। विस्तारा ने मेरे टिकट को डाउनग्रेड करना चाहा, जो कि पहले से कंफर्म था, जिसकी वजह से मुझे 1.5 घंटा तक इंतज़ार करना पड़ा। मेरे साथ साथ मेरे वाइफ और मेरे 8 साल के इन्फेंट और 5 साल के बच्चे को भी ये सब झेलना पड़ा। वहाँ के ग्राउंड स्टाफ रूड थे और काफ़ी एक्सक्यूज़ दे रहे थे। यहाँ तक कि मेरे अलावा और भी कई सारे पैसेंजर को इस परिस्थिति का सामना करना पड़ा। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि ये लोग ओवर सोल्ड क्यों करती है फ्लाइट को, और मैनेजमेंट ने इसे अप्रूव कैसे कर दिया। मैं अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो इस इंसिडेंट पर तुरंत एक्शन लें, ताकि किसी और को इस तरह की परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। हालांकि पठान के इस कंप्लेंट पर भारत के सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि ऐसा होने के लिए माफ़ी, और फिर उन्होंने विस्तारा कंपनी को इसकी जांच के लिए कह दिया। वहीं विस्तारा ने भी सोशल मीडिया पर अपने ऑफिशियल अकाउंट से इरफान पठान को आश्वासन दिया है कि वो उनके कंप्लेंट को नोट कर लिया है और ज़रूरत के अनुसार वो उस पर एक्शन लेंगे, जिस पर पठान ने धन्यवाद भी कहा है। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि इरफान पठान के बात को ध्यान में रखा जाए। वैसे एशिया कप की शुरुआत कल यानी कि 27 अगस्त से होने जा रही है, जिसमें 6 टीमें शामिल हैं। 11 अगस्त को इसका फाइनल खेला जाएगा। वहीं भारतीय टीम को इस बार के एशिया कप का मुख्य दावेदार माना जा रहा है। तो क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।